गुरुवार शाम तेजस जन कल्याण समिति के तत्वाधान में लगातार 11वें वर्ष भव्य गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भोपाल के छोला दशहरा मैदान पर किया गया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और भाजपा नेता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने गोवर्धन पूजा कर गिरिराज पर्वत की परिक्रमा कर शहरवासियों को पर्व की बधाई दी। भोपाल में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छोला दशहरा मैदान प्रांगण में चावल, हलवा, सब्जियां, मिठाइयों व अन्य प्रसाद सामग्री से गिरिराज गोवर्धन का 21 फीट लंबा प्रतिरूप तैयार किया गया। भक्तों ने 21 फीट लंबे भव्य गोवर्धन पर्वत का प्रतिरूप तैयार किया। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के फलों से सुंदर सजावट की गई। पूजन की सभी को बहुत बधाई। आज तेजस जन कल्याण समिति द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी लोगों ने गिरिराज जी महाराज की पूजा की, अर्चना की। गिरिराज महाराज की अनुकंपा, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने तीज और त्यौहार से इसी तरह जुड़े रहें। हमारी पुरातन परंपराएं जो हमारी पहचान है, और उन सब तीज और त्यौहार में कहीं ना कहीं संदेश है। गिरिराज जी महाराज की पूजा के प्रति, प्रकृति के प्रति हम सबकी लगाव और उसके संरक्षण का जो भाव है वो हम सब में बना रहे। मैं बहुत बधाई दूंगा। तेजस समिति ने बहुत ही उत्साह के साथ और व्यवस्थित कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रवीण गुप्ता, अध्यक्ष तेजस जन कल्याण समिति। सार्वजनिक गोवर्धन पूजन का 6वां वर्ष है और इसमें बड़ी जो है संख्या में श्रद्धालु आए, और समिति के मुख्य आयोजन समिति के सभी सदस्य, उन सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत आभार। अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भक्तों ने अपने घर से विभिन्न प्रकार के पकवान भगवान को अर्पित किए। इस प्रकार कई व्यंजनों का भगवान को भोग लगाया गया। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।